चंद्रयान 3 ने भेजे अजीब सिग्नल, इसरो ने डिकोड किए तो उड़ गए होश। दोस्तों ये सिग्नल खाली इसरो के लिए होश उड़ा देने वाली नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया का टेक्नोलॉजी के लिए ये काफी शॉकिंग है। उपग्रह कनेक्शन स्थापित करने और सिग्नल प्रसारित करने के लिए रेडियो तरंगों और सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी का उपयोग करके पृथ्वी के साथ ट्रांसफर करते हैं। इस ट्रांसफर प्रक्रिया में डेटा के प्रभावी प्रसारण और स्वागत को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न चरण शामिल हैं। उपग्रह संचार आधुनिक कनेक्टिविटी का एक महत्वपूर्ण पहलू है, जो टेलीफोन, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट और सैन्य अनुप्रयोगों जैसी सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला को सक्षम बनाता है। ये सेवाएं संचार उपग्रहों द्वारा संभव बनाई गई है, जो एक ट्रांसपॉन्डर के माध्यम से सिग्नल संचारित करने के लिए डिजाइन किए गए कृत्रिम उपग्रह हैं। एक ट्रांसपॉन्डर पृथ्वी के विभिन्न स्थानों पर स्थित एक ट्रांसमीटर और एक रिसीवर के बीच एक चैनल बनाता है, जिससे सूचनाओं का आदान प्रदान संभव होता है। उपग्रह पृथ्वी पर सिग्नल कैसे भेजते हैं, इसकी प्रक्रिया को 3 मुख्य चरणों में विभाजित किया जा सकता है। अपलिंक, पहले चरण में टेलीविजन प्रसारण जैसे स्रोतों से सिग्नल पृथ्वी के ग्राउंड स्टेशनों से संचार उपग्रह तक प्रेषित किए जाते हैं। इस चरण को अपलिंक कहा जाता है। ट्रांसपॉन्डर्स, दूसरे चरण में ट्रांसपॉन्डर शामिल है जो संचार उपग्रहों के आवश्यक घटक है। इन ट्रांसपॉन्डर में रेडियो रिसीवर, एम्पलीफायर और ट्रांसमीटर शामिल होते हैं। वे आने वाले संकेतों को बढ़ाते हैं और उनकी आवृत्तियों को संशोधित करते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि बाहर जाने वाले सिग्नल अपरिवर्तित रहें। डाउनलिंक, अंतिम चरण में संसाधित सिग्नल उपग्रह से पृथ्वी पर विशेष रूप से प्राप्त स्टेशनों या ग्राउंड स्टेशनों पर वापस भेजे जाते हैं। इस चरण को डाउनलिंक के रूप में जाना जाता है। इन स्टेशनों पर प्राप्त डेटा का उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है, जैसे टेलीविजन शो प्रसारित करना, इंटरनेट डेटा प्रसारित करना या संचार की सुविधा प्रदान करना। कुल मिलाकर उपग्रह संचार में पृथ्वी पर दूर के स्थानों के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान को सक्षम करने के लिए इन चरणों की निर्बाध बातचीत शामिल है। इस प्रक्रिया ने हमारी वैश्विक संचार क्षमताओं में उल्लेखनीय रूप से विस्तार किया है और कई सेवाओं और प्रौद्योगिकियों को संभव बनाया है जिन पर हम आज भरोसा करते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि क्या सिग्नल भेजा है चंद्रयान 3 ने इसरो को, जिससे इसरो के होश उड़ गए। चंद्रयान 3 ने जैसे ही चांद की लूनार ऑर्बिट में एंटर किया, तब वो चंद्रमा की चक्कर लगाना शुरू कर दिया। अभी ये एक ऐसी एग्जांपल है जिसे क्लासिक टॉकिंग मशीन टू ह्यूमन है। ये हम इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि चंद्रयान 3 ने जो संदेश इसरो को भेजा वो कुछ इस प्रकार का था, आई एम फेलिंग ग्रेविटी ऑफ द मून, मतलब मैं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण शक्ति को महसूस कर सकता हूँ। हालांकि ये चंद्रयान 3 ने अपने आप नहीं किया, बल्कि ये उसकी ऑनबोर्ड कंप्यूटर ने किया। जी हाँ, ये एक बहुत बड़े ब्रेक थ्रू है दोस्तों, लेकिन इस पर ना कोई मीडिया चैनल ना कोई टेलीविजन चैनल बात कर रहा है। देखिए, अगर फ्यूचर में चांद से माइनिंग या फॉरेस्ट तरह का कुछ भी करना है तो ये एक बहुत ही अच्छा उपाय हो सकता है। हालांकि इंसान के बिना ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, फिर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बहुत ऐसी जानकारी निकला जा सकता है जिससे कि इंसान को सफलतापूर्वक काम करने में और भी ज्यादा सुविधा मिले। आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।